उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आरुषि, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग। आज हम लोग विभिन्न तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं हैं उनके स्वरूप पर बात करेंगे। और ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो विश्व में दो जो शासन व्यवस्थाएं हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल शासन व्यवस्था, इनको अपनाया गया है, जिनको हिंदी में संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर जो विश्व में देश हैं उनके द्वारा इन्हीं व्यवस्थाओं को अपनाया गया है। अगर हम भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत में जो है संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। इन व्यवस्थाओं को समझने के, अगर हम जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आज जो है हम संसदीय शासन व्यवस्था क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके डीमेरिट्स क्या हैं, और स्पेशली जैसे इंडिया है, हमारे देश में क्यों संसदीय शासन व्यवस्था को ही अपनाया गया, तो इन सब पे आज हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग तुलनात्मक राजनीति पढ़ रहे हैं और तुलनात्मक राजनीति का ही एक ये पार्ट है, तो इसमें ज़रूरी है कि हम इसको जो है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के साथ तुलना करते हुए पढ़ें। एक जो सामान्य तुलना है उसके साथ हम इसे पढ़ेंगे तो हम और बेहतर तरीके से इस व्यवस्था को समझ पाएंगे। जैसा कि जब भी हम व्यवस्थाओं की, जैसे कि अगर हम इन व्यवस्थाओं को समझने की बात करते हैं, तो जब भी हम कुछ नया अध्ययन करते हैं तो हर एक विषय का एक बेसिक रूल होता है। बेसिक रूल का मतलब ये है कि अगर हमें संसदीय शासन व्यवस्था को समझना है तो हम उसे किस तरह से समझेंगे, या अगर हमें संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर को समझना है तो हम उसे किस तरह से समझना है। तो बेसिकली जैसे कि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होती है, हमारी गवर्नमेंट की जो ऑर्गन्स हैं, सरकार के जो अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो इन तीनों के मध्य जो रिलेशन है, इन तीनों के मध्य जो संबंध होता है, उसके माध्यम से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस देश में जो व्यवस्था है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे पर मतलब डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हम जो विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका से ही हमारी कार्यपालिका निकलती है, और जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इन दोनों के संबंध है वो संबंध जो है इंटरडिपेंडेंसी का संबंध है। वहीं अभी अगर हम इसी को समझने के लिए अगर हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ये दोनों जो है वहाँ पर जो है सेपरेशन ऑफ पावर, पृथककरण के सिद्धांत के आधार पर जो जितने भी जो भी मतलब सरकार के अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों जो है सेपरेट है। इन तीनों ये एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन जब हम संसदीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें ये जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो इंटरडिपेंडेंसी का होता है। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, क्योंकि अगर हम इनको एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि किन किन देशों में इन शासन व्यवस्थाओं को कैसे कैसे अपनाया गया है तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो जब हम पार्लियामेंट्री व्यवस्था की बात करते हैं, संसदीय व्यवस्था की, तो कैनेडा में, ग्रेट ब्रिटेन में, इंडिया में जो है क्वासी फेडरल इसको कहा जाता है विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो भारत में भी जो है पार्लियामेंट्री व्यवस्था है, और ग्रेट ब्रिटेन में भी है, हमने ब्रिटेन से ही लिया है, और इसके लिए जो है एक कोर्ट भी है जो मतलब बहुत बार मतलब जब हम पढ़ते हैं संसदीय शासन व्यवस्था तो उसमें बार बार यही बात बोली जाती है कि जो संसदीय जो शासन व्यवस्था है, ये संसद की जो जननी है वो ब्रिटेन को कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में ही सबसे पहले इस व्यवस्था को अपनाया गया था। अब हम प्रेसिडेंशियल का, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का एग्जाम्पल अगर हम लें तो यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका हो गया, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील, तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स मतलब किन किन देशों में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया और किन देशों में प्रेसिडेंशियल अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया।
अब जैसे ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या क्या चीजें किस तरह से हैं, क्या इसके मेरिट्स हैं क्या डीमेरिट्स हैं, एग्जैक्टली जो ये गवर्नमेंट है, ये फॉर्म ऑफ जो ये जो स्वरूप है शासन का, वो किस तरह से रन करता है, एक्सरसाइज करता है, तो इसको हम पहले हम इसके बेसिक जो मेरिट्स हैं, बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर है उसको समझ लेंगे, उसके बाद हम इस पे आएंगे। व्हाट इज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो संसदीय सरकार होती है वो क्या होती है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होल्ड्स द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो दोनों जो हमारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो जो है इंटरडिपेंडेंसी का होता है। जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेचर, जो हमारी कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी इस सेंस में होती है क्योंकि जो भी एग्जीक्यूटिव काम करेगी, जो भी एक्शन लेगी, जिस भी तरह के नियम कानून वो बनाएगी, उसके लिए वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड द वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है इसको जो है कैबिनेट गवर्नमेंट कहा जाता है। कैबिनेट गवर्नमेंट कहने का जो सेंस है वो ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट किस तरह से मतलब सारा काम करता है, जितनी भी पावर है वो उस पर ही रिलाई करती है, तो इसलिए इसको जो है कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि कैबिनेट का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस सिस्टम में। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, और वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट इसे कहा जाता है। अब जब हम संसदीय शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो हमें ये समझना है कि इसके फीचर क्या है, कैसे हम ये पहचानेंगे कि किसी एक खास देश में कौन सी व्यवस्था है। अगर हमने नॉर्मल एक बेसिक जो डिफरेंस है इसके, ये तो हम समझ चुके हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन को के आधार पर हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो कंट्री है वहाँ पर जो है किस तरह की सरकार को अपनाया गया है। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि और क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं, और ऐसे कौन कौन सी फीचर हैं जिनको आइडेंटिफाई करके हम श्योर हो सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कंट्री में इसी तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या इसी तरह की शासन का स्वरूप है। तो फीचर्स ऑफ अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है एक वास्तविक जिनके पास सत्ता होती है, वास्तविक तौर पर जिनके पास सत्ता होती है, और नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, इनको कहा जाता है ऑल्सो नोन एज द डीजियोर और टिट्यूलर एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, उनके पास जो है वो नाम मात्र की शक्ति होती है। जैसे हमने देखा है कि इंडिया के, अगर हम इंडिया को ही अपना एग्जाम्पल लेके चलें, इंडिया को एग्जाम्पल का लेने का हमारा जो मोटिव होता है वो ये है क्योंकि हम इंडिया की व्यवस्था को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व करने से हम इजीली चीज़ों को समझने में समर्थ होंगे। तो इंडिया में अगर हम देखेंगे, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स हैं। नॉमिनल मतलब नाम मात्र, और वास्तविक कार्यपालिका। तो नॉमिनल जैसे कि स्टेट, जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट हमारे राष्ट्रपति हैं, तो जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ और सिर्फ वो नाम मात्र की उसे कार्यपालिका कहा जाता है, क्योंकि उनके पास जो है जो भी पावर्स हैं वो उनको इंजॉय नहीं कर सकते बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सिफारिश के या उनके सुझाव के बिना, वो इस पावर को इंजॉय नहीं कर सकते। इसको अगर हम जो इसको जो है डी ज्योर भी कहा जाता है, इसको हमेशा इसे ये जो टर्म है डी ज्योर, इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार ये शब्द जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एग्जैक्टली जो मीनिंग है डी ज्योर का वो क्या होता है। तो डी ज्योर से जो मतलब है वो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नाम मात्र की जिनके पास शक्तियाँ होती हैं, और इसे टिट्यूलर एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है।
वहीं जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हेड ऑफ द ये गवर्नमेंट और काउंसिल मिनिस्टर के जो हेड होते हैं उनको जो है रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, क्योंकि जो भी वास्तविक पावर है वो उन्हीं के पास होती है। इन्हें कहा जाता है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। एज अ रिजल्ट द प्रेजिडेंट इज द प्रेजिडेंट इज द प्रेजिडेंट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें और क्या फीचर है, इसमें डबल मेंबरशिप होती है, मतलब दो तरह की सदस्यता होती है। मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ बोथ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं वही मेंबर जो है एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर होते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से ही बनता है। तीसरा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व। This is the bedrock principle of parliamentary government. The ministers are collectively responsible to the parliament. जो मतलब ये जो collective responsibility का जो feature है, ये इसका बहुत ही मतलब important feature इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें ये collect ये सामूहिक तौर से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद है majority party का rule होता है। जैसे कि अगर हम अपने सिस्टम में देखें, आप देखते हैं कि संसद में जिस भी पार्टी, जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होती है उसी पार्टी से जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, उसी पार्टी के जो प्रधानमंत्री होंगे उन्हीं की सरकार होती है। तो वही द पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर्स मेजॉरिटी सीट इन द लोकसभा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जो भी मतलब लोकसभा में जो मेजॉरिटी में होगी। द लीडर ऑफ दैट पार्टी इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेजिडेंट। अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑन द एडवाइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हाउ एवर वेन नो सिंगल पार्टी गेट्स द मेजॉरिटी, अ कॉलिशन ऑफ पार्टीज मे बी इन्वाइटेड बाय द प्रेजिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो बेसिकली इसमें यही कहा जा रहा है कि जो भी लोकसभा में मेजॉरिटी में होते हैं उनको राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता है उनको, और यदि कोई भी सिंगल पार्टी अगर मेजॉरिटी में नहीं है तो गठबंधन की सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार के लिए उनको राष्ट्रपति इनवाइट करते हैं। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये जो पूरा हमारी संसदीय शासन व्यवस्था है इसमें जो लीडर होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। द प्राइम मिनिस्टर प्लेज द लीडरशिप रोल इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। He or she is the leader of Council of Ministers, leader of Parliament and the leader of the party in power. In these capacities, he plays a significant and highly crucial role in the functioning of the government. तो leadership इस parliamentary system में हम राष्ट्रपति के नेतृत्व को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके मेरिट्स की। अब जब हमने ये जान लिया कि एग्जैक्टली जो फीचर है वो क्या क्या है संसदात्मक शासन व्यवस्था के, जैसे कि हमने अभी ये जाना कि इसमें दो तरह की एग्जीक्यूटिव होती है, एक नॉमिनल होती है, रियल एग्जीक्यूटिव होती है, इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीचर है, इसमें डबल मेंबरशिप का फीचर है, इसमें जो है जो मेजॉरिटी में पार्टी होती है उसका रूल होता है, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में सारी चीज़ें चल रही होती हैं, सरकार चल रही होती है। तो अब हमें इसके गुण भी जानने की ज़रूरत है कि इसके अगर हमारे द्वारा किसी भी देश के द्वारा पार्लियामेंट्री फीचर को अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है, तो इसकी के फायदे क्या क्या है, इसके गुण क्या क्या हैं। तो पहला जो गुण है, जैसे कि हम शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं, हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है दोनों के ही बीच में बहुत अच्छा जो है रिलेशन होता है। हार्मनी मतलब कोशिश की जाती है कि दोनों में हार्मनी बनी रहे। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज दैट इट इंश्योर्स हार्मोनियस रिलेशनशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इनका मतलब बेसिक मोटिव ही ये होता है कि हार्मनी और कोऑपरेशन होना बनाए रखना है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी हमारे सामने आती है, जैसे कि इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम establishes अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर ऑल देयर एक्ट ऑफ एक्शन एंड कमीशंस
द पार्लियामेंट्री एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर्स थ्रू वेरियस डिवाइसेस लाइक क्वेश्चन आवर डिस्कशन एडजर्नमेंट मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन. तो हमारे पार्लियामेंट में जो है अगर संसद कुछ कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं ऐसे नियंत्रण के लिए कि जो भी सरकार है वो अपने जो भी काम कर रही है तो वो किस तरह से काम कर रही है उसके लिए संसद को कुछ अधिकार दिए हैं उनकी जवाबदेही को तय करने के लिए. जैसे कि क्वेश्चन आर होता है, शून्यकाल जिसे कहा जाता है, सॉरी प्रश्नकाल जिसे कहा जाता है, डिस्कशन होता है, एडजर्नमेंट स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की व्यवस्था है, अविश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता है व्यवस्था है. तो इन व्यवस्थाओं की वजह से क्या है कि जो सरकार है वो किस तरह से अपने काम कर रही है वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए. वो जिस भी तरह के एक्ट बना रही है, जो भी काम कर रही है, अपने काम के प्रति उनकी जवाबदेही को बनाए रखा जाता है. इसके बाद ये है प्रिवेंट डेस्पोटिज्म. Under this system, the executive authority is vested in a group of individuals. मतलब कि यहाँ पर जो power है वो किसी एक व्यक्ति में ही निहित नहीं होती है, किसी एक single person में नहीं होती है. This dispersal of authority checks the dictatorial tendencies of the executive. Moreover, the executive is responsible to the parliament and can be removed by no confidence motion. जो हमने पहले ही बात बोली थी इसमें भी वही चीज़ें repeat की गई है. वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है. अब इसमें जो है रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी मतलब वाइड रिप्रेजेंटेशन है. इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इट इज पॉसिबल टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शंस एंड रीजन्स इन द गवर्नमेंट. द प्राइम मिनिस्टर वाइल सेलेक्टिंग हिज मिनिस्टर्स कैन टेक हिज फैक्टर इन टू कंसिडरेशन. अब बात आती है इनके डीमेरिट्स की. अभी हमने ये तो समझ लिया कि क्या क्या फायदे हैं या क्या क्या गुण हैं इसके संसदात्मक शासन व्यवस्था के, लेकिन इसके कुछ ना कुछ इसके कमियां भी होंगी. तो उसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं? एक तो अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है. अनस्टेबल गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट्री सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट. जैसे जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ ये भी कही गई थी कि जो इंडिया है, हमारा जो देश है, अगर उसके द्वारा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को नहीं अपनाया गया तो जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का जो उद्देश्य रहा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वो स्टेबल गवर्नमेंट की बात करते हैं. लेकिन इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया इसलिए क्योंकि उनके वो जो है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाह रहे थे. उनका जो फोकस था कि भारत में अभी जिस दौरान मतलब जो अभी व्यवस्था है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो वो समय ऐसा क्रूशियल पीरियड था कि उस समय हमें स्टेबल गवर्नमेंट की जगह हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की ज़रूरत है. तो अनस्टेबल गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट्री सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट. देयर इज नो गारंटी दैट अ गवर्नमेंट कैन सर्वाइव इट्स टेन्योर. ऐसा पॉसिबल, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी सरकार है वो अपना टेन्योर कंप्लीट करेगी ही करेगी. इसमें एक तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर हम बात करें, या पॉलिटिकल डिफेक्शन और एविल ऑफ अ मल्टी पार्टी कॉलिशन कैन मेक द गवर्नमेंट अनस्टेबल. तो ये जो दो तीन कुछ फीचर्स है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन और दूसरा पॉलिटिकल डिफेक्शन और एविल ऑफ मल्टी पार्टी कॉलिएशन, तो ये तीन तरह की जो तीन तरह की चीज़ें हैं इनसे जो है गवर्नमेंट का जो है स्टेबल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. इसके बाद आता है डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट. जैसे हमने कहा था कि इस गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को. तो यहाँ पर जो है कैबिनेट के पास बहुत ज़्यादा एक्सेस जो है पावर होती है, और ज़्यादा पावर होने की वजह से उनका डिक्टेटरशिप वो कर मतलब आ जाती है उनके उसमें नेचर में. अब यहाँ पर हम कुछ दो चार एक दो लोग हैं, जैसे हेरोल्ड लास्की है, इनका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा. तो लास्की जो है वो कहते हैं दैट द पार्लियामेंट्री सिस्टम गिव्स द एग्जीक्यूटिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर टायरनी. जो अभी हमने बात की कि डिक्टेटरशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव, वही बात लास्की भी दोहरा रहे हैं कि जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जो हमारी कार्यपालिका है उसको एक अवसर देते हैं निरंकुश बनने के लिए. रैमसे म्योर, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर for Britain, also complained of the dictatorship of the cabinet. तो वो भी जो है इसको लेकर बात करते हैं dictatorship of cabinet की. Against separation of power, जैसे मैं बता ही चुकी हूँ कि ये जो व्यवस्था है ये शक्ति के पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध है.
Why the framers of Indian constitution adopted for the parliamentary form of government? तो ये सवाल जो है हमारे समक्ष बार बार आता है और बहुत इस पे जो है इस पे लगातार डिबेट्स भी चल रही हैं कि क्यों जो है भारत के द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया जबकि हमारे पास प्रेसिडेंशियल अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को अपनाने का भी ऑप्शन था। तो इसके जो दो तीन जो मतलब मेन जो रीजंस हैं वो ये हैं कि पहला फैमिलैरिटी विद द सिस्टम। इंडियंस मतलब हम लोग जो भी हैं हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी हद तक इस सिस्टम से फेमिलियर हो चुका था। फेमिलियर इन द सेंस क्योंकि हम लोग 1935 से इस व्यवस्था को अपना चुके थे, इस संसदीय व्यवस्था को, तो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अपना चुका था और यहाँ के जो लोग हैं वो भी इस व्यवस्था को थोड़ा बहुत समझने लगे थे। दूसरा, प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि शुरू में भी मैं बता चुकी हूँ कि इंडियंस जो भी हमारे संविधान निर्माता थे उनका ये मानना था कि जो क्रूशियल पीरियड अभी चल रहा है क्योंकि अभी जिस तरह से हमारा देश जिन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जैसे देश का विभाजन हुआ, तो इस समय मतलब कि वो जो समय था उस समय का जो पीरियड है वो बिल्कुल भी बहुत अस्त व्यस्त वाला पीरियड था। तो उस समय हमारे देश को एक स्टेबल गवर्नमेंट से मतलब एक स्थिर सरकार से ज़्यादा एक उत्तरदायी सरकार की ज़रूरत है, इसलिए जो है संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। क्योंकि जैसे हमने जब अभी फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ा तो उसमें हमने जाना कि उसमें कहा गया है कि वो जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। तीसरा है कि नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कन्फ्लिक्ट। तो जो है जैसे कि इसमें हमने ये भी पढ़ा कि हारमोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव और कोऑपरेशन है दोनों के मध्य, तो वो जैसे कि कार्यपालिका और विधायिका के मध्य किसी भी तरह की संघर्ष ना हो, दोनों के बीच अच्छा एक सहयोगात्मक संबंध हो, इसलिए भी इस तरह की व्यवस्था को अपनाया गया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट हेट्रोजीनियस स्टेट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लूरल सोसाइटीज इन द वर्ल्ड। जैसे कि हमारा जो देश है अगर हम अपने देश की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि यहाँ पर बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है, हमारे अलग सा विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, विभिन्न भाषाएँ हैं, तो इन सभी को ये जो है हमारी जो इंडियन जो सोसाइटी है इसकी ये एक विशेषता है। Hence the constitution makers adopted the parliamentary system as it offered greater scope for giving representation to various section, interest and regions in the government. तो इसलिए जो है क्योंकि हमारी population diverse है और हमारा पूरा मतलब पूरी society हमारी diverse है, इसलिए जो representation है वो अलग अलग sections से आना, अलग अलग region से आना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए जो है इस व्यवस्था को भी अपनाया गया। और दिस प्रमोट्स अ नेशनल स्पिरिट अमंग द पीपल एंड बिल्ड्स ऑडिटेड इंडिया। तो ये है हमारा इसकी ये जो मतलब कि इसके क्यों जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके द्वारा इस व्यवस्था को अपनाया गया। अब इसमें हम जो मैं शुरू में आप लोगों को बता रही थी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या क्या है, क्योंकि अब हम काफ़ी हद तक पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझ चुके हैं, इसके हमने फीचर्स को भी समझ लिया है, हमने इसके मेरिट्स को डीमेरिट्स को समझ लिया है, हमने इंडिया के भी पर्सपेक्टिव से इसको जान लिया कि इंडिया में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्यों इसको एडॉप्ट किया। तो अब हम एक बार इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्लियर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं, और इसमें हायर अकाउंटेबिलिटी है, इसमें जो है हायर इफेक्टिवनेस है, लोअर पोटेंशियल फॉर इंट्रा एग्जीक्यूटिव इन फाइटिंग, लेस कन्फ्लिक्ट की बात की गई है, और फॉर्मलाइज्ड कॉलिशन बिल्डिंग है, बेटर रिप्रेजेंटेशन है, करप्शन की चांसेस कम है, हायर फ्लेक्सिबिलिटी है, नो रिजिड प्रेजिडेंशियल टर्म्स प्रॉब्लम, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट अगर नहीं अच्छे से काम कर रही है तो वो जैसे कि हमारे ऐसे संविधान में संसद के प्रति उसको जो सरकार है एग्जीक्यूटिव को अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन, ऐसे बहुत से स्थगन प्रस्ताव, ऐसे बहुत से जो है क्लॉजेज हैं जिनके थ्रू जो है हमारी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो अगर एक बार सरकार चुन ली गई है तो वो पूरा अपना टर्म ही कंप्लीट करके जाएगी। लोअर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं,
हायर लेजिटिमेसी है, चेकिंग पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, पावर ऑफ मतलब जो एग्जीक्यूटिव है उसकी पावर को चेक करने के लिए बहुत से जो है क्लॉजेज हैं, लोअर रिस्क ऑफ डेमोक्रेटिक इरोजन। तो ये है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो अभी हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी समझेंगे, उसके बाद हम इन दोनों ही व्यवस्थाओं की तुलना और बेहतर तरीके से कर पाएंगे और तुलना करने से हम दोनों ही व्यवस्थाओं को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। धन्यवाद।